ट्रैक पे लगे हुए हैं। उनकी मुख्य मांगे हैं, जिनमें पहली मांग है कि जीएसटीसी के द्वारा जो उनको फ्यूल सप्लाई किया जाता है, पिछले दो साल में 130% की बढ़ोतरी हुई है। हर दो तीन महीने में प्राइस की बढ़ोतरी होती है, जो हमारी इंडस्ट्रीज को सर्वाइव होने में बहुत दिक्कत होती है, उसको रेट को सही किया जाए। दूसरी मांग है कि जो एकमात्र वैकल्पिक फ्यूल है, जो कोल आधारित फ्यूल जो हम यूज करते हैं, जो कि जीएसपीसी के फ्यूल के सामने काफी सस्ता होता है, उसको जीएसपीसीबी के द्वारा पर्यावरण के तहत उसको तुरंत अमल से बंद करा दिया गया है, तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के मुताबिक उसको वापस चालू कर दिया जाए। तीसरी मांग है कि जो 15% रेट लगता है टाइल्स के ऊपर, जो 15% की बदले में हमने 5% की मांग की है, क्योंकि एक कमोडिटी प्रोडक्ट है। और चौथी बात है कि सिरामिक प्रोडक्ट के ऊपर 12.36% की जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, वो उसको कम करके 6% कर दी जाए, या तो कंपाउंड लेवी कर दी जाए, क्योंकि इसमें सैंडवेट क्रेडिट जो है वो मिट्टी यूज होती है, इसके ऊपर कोई सैंडवेट क्रेडिट मिलती नहीं है, जो 2% के बराबर ही है, ताकि उसको ठीक किया जाए। जी, तो कुछ मांगे राज्य सरकार से, कुछ केंद्र सरकार से। दिनेश भाई, आप बताइए कि जो 15% वैट है उसको 5% करने की बात की जा रही है, क्या ये सही है? अब बिल्कुल सही है और चॉइस है, क्योंकि बिजनेस में हमें ये भी देखना पड़ता है, हमारी जिम्मेदारी रहती है सी फॉर्म की, और ये सी फॉर्म एक साल डेढ़ साल के बाद आते हैं, कभी कभी सी फॉर्म में भी घपला होता है, तो हम ये सब झंझट से निकलना चाहते हैं, और हम गवर्नमेंट को ये बैंक गारंटी भी देना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कम नहीं होगी, कम होगी तो वो हमारे पास से बैंक गारंटी के हिसाब से ले लें वापिस। तो ये हमारी डिमांड चॉइस है। तो करीब 200-250 करोड़ रुपए की आप जो है वो इनको वैट के जरिए देते हैं, राइट? तो आपसे मैं जानना चाहूंगा सुखदेव भाई, इनकी जो आपकी लड़त है 15 दिन हो गए, कितना नुकसान इंडस्ट्रीज को हुआ है और आगे कहां तक आप अपनी लड़त लेके जाना चाहते हैं? अभी तक ये 15 दिन में गवर्नमेंट को 1000 करोड़ रुपया का नुकसान है, इसमें से जीबी का, पावर का और ये टैक्स का है, और अभी 15 दिन में सरकार में से कोई हमारी वाटाघाट में कोई हमारे को जवाब नहीं मिला, और हमारे को अगर ये मांग नहीं पूरी होगी तो हम ये लड़त चालू ही रखेंगे, और अभी तक ये 2-2.5 लाख आदमी बेरोजगार हो रहा है, सब लोग अभी बेकार हो रहा है, तो हमारी ये मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लड़त चालू रखेंगे। तो काफी गुस्से में है यहाँ के कारोबारी उद्योगकार, और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी मांगे पूरी की जाए।